बलरामपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर बलरामपुर के छोटा परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर मेरे लिए गोरखपुर जैसा ही है। ये धरती पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कर्म भूमि रही है। यहाँ पर राज परिवार ने बलरामपुर की अलग पहचान बनाई है। उन्होंने नगर निकाय चुनाव में खड़े भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का आह्वान करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में हर तरफ विकास हो रहा है। बलरामपुर एक आकांक्षी जनपद से निकलकर आज विकासशील जनपद में गिना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्षों में भारत की तस्वीर बदल कर रख दी है। 2014 से पहले भारत की पहचान भ्रष्टाचार में लिप्त देश के रूप में होती थी। आज भारत संकट मोचक देश के रूप में होता है। भारत वैश्विक मंच पर सम्मान पा रहा है। करोड़ों लोगों को रसोई गैस का कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, शौचालय का लाभ, लाखों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। धीरों को बनाया है प्रत्याशी, और जैसे धीरों ने अपनी सेहत बनाई ऐसे बलरामपुर की भी सेहत बनाएंगे। उतरौला से श्रीमती सविता गुप्ता को, तुलसीपुर से श्रीमती रंजना गुप्ता को, वैशाली से श्री मदनलाल जायसवाल और पंचपेड़वा से रवि सोनी, ये सब जो है बहुत रवि सोनी, ये सभी बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, बहुत जुझारू हैं। इनको जिता करके भेजिए और विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी, मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। भाइयों बहनों, ये पांचों प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हमने ये पांच प्रत्याशी दिए हैं। इनका पूरा फुल बोर्ड बनाइए, हर पार्षद को जिताइए इनके साथ में, और सभी पार्षद और चेयरमैन जब भाजपा के जीतेंगे तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? जहां तक आवाज जा रही है सभी लोग सहमत हैं? उनके समर्थन में दोनों हाथ पा करके मेरे देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।